गाइस शाम में सिटी घूमने का मजा ही अलग है। और ये देखो मैं अभी एंटर करने वाला हूँ यहाँ से मेट्रो के लिए। मेट्रो से मैं निकलने वाला हूँ बर्डी, बर्डी जाऊंगा कुछ शॉपिंग करने के लिए। ये मुझे टिकट मिल चुका है बर्डी जाने के लिए, अब सिटी की तरफ जाके आता हूँ। शाम में घूमने का मजा ही अलग है। तो चलो चलते हैं जल्दी से फटाक से, और वापस भी लौटना है हमको जल्दी। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है मालूम नहीं। हाँ चालू स्टार्ट हो गया है, ये देखो। तो यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे। दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के बाद आएगी मेट्रो, उसके बाद जाना है नीचे। यहाँ से लिफ्ट में जाना पड़ेगा या सीढ़ी से? सीढ़ी से उतर जाता हूँ, अभी टाइम है काफी। ये देखो अभी टाइम हो रहा है 7-8 बजे का टाइम हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगेगा अपना मेट्रो, पूरा खाली खाली, कोई है ही नहीं। आप ये हम आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। अब थोड़ी देर वेट करते हैं कब तक आएगी मेट्रो, उसके बाद हम लोग चलेंगे बर्डी। ये उस तरफ वाली मेट्रो चली गई। ये अपने साइड की मेट्रो आ गई। ये अपनी मेट्रो निकल गई। ओ बाहर किधर से जाना है? बाहर बाहर, हाँ बाहर इधर से जाना पड़ेगा। तो हम बाहर निकल गए हैं। बाहर निकलने के बाद अब नीचे जाना होगा। अभी देखते हैं कितना देर तक घूम पाएंगे यहाँ पे। कुछ मार्केट घूम लेते हैं, कुछ अगर लेना रहेगा तो ले लेंगे, कुछ मोबाइल का पार्ट्स लेना है वो भी ले लेंगे। ये देखो भैया हम पहुंच गए बर्डी मेट्रो स्टेशन। यहाँ आने के बाद मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, इधर जाना है कि इधर जाना है। सब तरफ एक ही लगता है, मतलब कि कंफ्यूजन लगता है कि ये दोनों रास्ता एक ही है, इस तरह का लगता है। बहुत सारा यहाँ पे ऑटो मिल जाता है हम लोगों को आगे तक जाने के लिए, और मैं रिटर्न जाऊंगा तो इसी मेट्रो स्टेशन से रिटर्न जाना है मेरे को। यहाँ आसपास में बहुत सारा मोबाइल का शॉप, बहुत सारा मोबाइल का शॉप है। हम लोग को जो चाहिए अगर वो मिल जाएगा तो अच्छा है। मेरे को मोबाइल का एक पार्ट्स लेना था, अभी जहाँ से मैंने ये वाला फ़ोन लिया था वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं। अगर वहाँ मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये वाले मोबाइल शॉप से ही मैंने मोबाइल लिया था, जाके पूछते हैं वहाँ अगर कुछ मिलता है तो। ब्लॉग हाँ यूट्यूब पे। ये अभी मार्केट में घूम ही रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा नींबू पानी पिया तो फ्रेश लगा, गर्म लग रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। कुछ कपड़े का मार्केट देख रहा हूँ, वहाँ से कुछ टी शर्ट वगैरह या तो फिर कुछ जैसे घर में पहनने वाला कपड़ा वगैरह ले लेता हूँ। पर गर्मी लग रही है अभी भी। इस तरफ में सिर्फ मोबाइल ही मोबाइल का शॉप दिखेगा बस। पहुँच गए कपड़ा मार्केट की तरफ, देखते हैं कुछ कपड़ा मिलता है तो टी शर्ट वगैरह, हाफ पैंट, बनियान, चड्डी वगैरह ले लेंगे कुछ भी। ये रहा बहुत सारा कपड़े का मार्केट। रुक जाओ काका, ये देखो इस तरफ बहुत सारे कपड़े के मार्केट दिख रहे हैं। शायद मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। ब्लॉग बनाते हैं। हाँ बहुत सही नाम है यूट्यूब में।
हाँ लेकिन मेहनत भी है ना, जहाँ जहाँ जाते हो सब जगह बनाते हो, कहीं पर भी ब्लॉग बनाते नहीं है। ब्लॉग बन रही है, ये देखो चालू है क्या वीडियो? हाँ वीडियो चालू ही रहती है ना। अबे नल खुला है तुम्हारा? अरे भाई ने अपना दुकान भाई ने अपना दुकान बुला लिया मेरे को, मैं बस चश्मा देख रहा था तो भाई ने बुला लिया। कोई बात नहीं भैया, अभी लेट हो रहा है, मैं निकलूंगा जल्दी। देखो भैया मैंने ये ले लिया। भाई 200 ले रहे हो ना? 200 कहाँ करूँ पेमेंट? QR? देख भाई मैं इसके, मैं जब मार्केट घूम रहा था भाई ने मुझे पकड़ लिया। बोल रहा है कि चड्डी ले लो भैया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? चलो भैया हमने खरीदारी कर ली, हमें लौटना भी वापस करना है। भाई को मैंने सब्सक्राइब भी करवा लिया है। भाई सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर देना कि मैं बर्डी मार्केट से बात कर रहा हूँ। चलो थैंक यू भाई, वेलकम। चलो इसको भी बता देना चैनल। चलो भैया हमने यहाँ से मार्केट से कुछ सामान वगैरह ले लिया, अब हम वापस लौटते हैं घर की ओर। ज़्यादा ब्लॉग लंबा ब्लॉग बनाया नहीं, मार्केट ज़्यादा कवर नहीं कर पाया क्योंकि समय कम था, इसलिए ये वाली अच्छी लग रही है। भैया ये कितने की है? तो ये है यहाँ के सीताबर्डी का लोकल मार्केट, ज़रूरत की चीज़ें हमको यहाँ पे मिल ही जाती है। गाइज मुझे घूमते हुए काफी समय हो गया है और अभी 8:30 बज चुका है, मेरे को वापस रिटर्न भी जाना है। और किधर में है मेट्रो स्टेशन मेरे को मालूम नहीं चल रहा, मैं बस घूम ही रहा हूँ। जितना मेरे को सामान का जरूरत था मैंने उतना ले लिया, बस एक सामान नहीं मिला जो मोबाइल का पार्ट्स लेना था मेरे को, वो नहीं मिला। अब इससे ऊपर जाना है डायरेक्ट। तो हमें आगे जाने के लिए फिर से टिकट लेना होगा और टिकट लेकर डायरेक्ट मेट्रो पकड़ के डायरेक्ट निकल जाएंगे हम। तो यहाँ से हमको टिकट मिल जाता है। सॉरी इधर का है। तो ये मैंने टिकट ले लिया है और खापरी के लिए किधर जाना होगा? इस तरफ खापरी के लिए जाना पड़ेगा मेरे को। खापरी के लिए ऊपर ये है, इस वाले रूट से जाना होगा मेरे को। ये टिकट मुझे अंदर आने के लिए भी काम आता है और बाहर निकलने के लिए भी, इसलिए इसको संभाल के रखना पड़ता है। और मेरा टिकट का प्राइस कितना है? 14 रुपया। बस 14 रुपये में हम पहुंच जाएंगे और यही अभी बस में जाए रहते तो 50 रुपये से ऊपर लग जाता। चलो अच्छी बात है मेट्रो है तो हम सस्ते में भी घूम लेते हैं। और ये अपनी मेट्रो इधर से आ गई, आगे जाना पड़ेगा। सबसे पीछे वाले महिलाओं के लिए है, आगे में बॉयज गर्ल्स सब मिल के बैठ सकते हैं यहाँ पे। ये हम आगे अंदर। अब हमको यहाँ से बाहर निकलना है। तो हम साउथ एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं, अब हम यहाँ से बस लेना है। अब बस कितनी देर में आएगी पता नहीं, अब लगभग आधा घंटा लगेगा मेरे को रूम पहुँचने के लिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो
अपने फैमिली का ख्याल रखो और देखते रहो विपिन ब्लॉग। बाय बाय।